जिसमें कि ये एरे ए है जिसमें कि एन इंटीजर्स है राइट और ये जो है ये सर्कल में अरेंज्ड है सर्कल में अरेंज का मतलब क्या है कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स मान लो सिक्स एलिमेंट्स हैं तो हमें इस तरह से विजुअलाइज करना है ठीक है और क्या बोला गया है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव नंबर्स इज वन मतलब कि इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस वन होगा इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस वन होगा एंड फॉर धिस टू दिस टू दिस टू एंड इवन फॉर ए सिक्स एंड ए वन ठीक है ओके अस कॉल लोकल मैक्सिमम एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स नेबर्स एंड लोकल मिनिमम एलिमेंट विच इज लेस देन बोथ ऑफ इट्स नेबर्स ठीक है क्या बोला गया है कि हम किसी एलिमेंट को लोकल मैक्सिमम कब बोलेंगे जब वो अपने दोनों नेबर से बड़ा हो मतलब कि फॉर एग्जांपल ए वन की वैल्यू है फाइव तो स्ट्रिक्टली अगर ये भी फोर है एंड ये भी फोर है क्योंकि अगर ए वन फाइव है और एब्सोल्यूट डिफरेंस वन है दो नेबर्स का तो ए टू और ए सिक्स के पास दो ऑप्शन है फोर या सिक्स तो अगर दोनों फोर है तो इसकी वैल्यू जो है वो दोनों नेबर्स से बड़ी है तो ये लोकल मैक्सिमम हो गया सिमिलरली अगर ए फाइव भी फाइव है ए वन भी फाइव है तो ए सिक्स जो है वो दोनों नेबर से कम है तो ये जो है वो लोकल मिनिमम हो गया ठीक है ना तो वही लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के डेफिनेशन यहां पर दी गई है नोट देट ए वन एंड ए एन आर नेबरिंग एलिमेंट्स ठीक है जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा ए सिक्स एंड ए वन आर नेबरिंग एलिमेंट्स अनफॉर्चुनेटली फेदिया लॉस्ट एन एरे बट ही रिमेंबर्ड इन इट द सम ऑफ लोकल मैक्सिमम एलिमेंट एज एक्स एंड द सम ऑफ द लोकल मिनिमम एलिमेंट्स एस वाई ठीक है तो क्या बोला गया है कि ये एरे तो लॉस्ट हो गया बट जो लोकल मैक्सिमम एलिमेंट्स थे एरे में जितने भी उन सभी का जो सम था वो एक्स है वो फेदिया को याद है एंड लोकल मिनिमम एलिमेंट्स जो थे उनका जो सम था वो वाई है वो भी उसको याद है एक्स एंड वाई हेल्प फेर फाइंड एनी मैचिंग एरे ऑफ मिनिमम लेंथ तो अगर हमें सभी लोकल मैक्सिमम एलिमेंट्स का सम दिया गया है और सभी लोकल मिनिमम एलिमेंट्स का सम दिया गया है तो हमें कोई ऐसा एरे बताना है एंड जो कि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो ठीक है इनपुट किस तरह से दिया गया है इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस सभी टेस्ट केस में एक ही लाइन है और दो इंटीजर्स दिए गए हैं एक्स एंड वाई वेर एक्स इज द सम ऑफ द लोकल मैक्सिमम एलिमेंट्स एंड वाई आई इज द सम ऑफ द लोकल मिनिमम एलिमेंट्स आउटपुट में हमें क्या डिस्प्ले करना है आउटपुट में सबसे पहली लाइन में हमें एंड डिस्प्ले करना है दैट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द एरे पॉसिबल आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल एरेज एंड नेक्स्ट लाइन में एंड इंटीजर्स ऑफ द एरे डिस्प्ले करने हैं सच देट दे सेटिस्फाई ऑल दिस गिवन प्रॉपर्टीज कंस्टेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है अब आई होप क्वेश्चन क्लियर अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं

एक एरे बताना है ऑफ मिनिमम पॉसिबल लेंथ एंड सच दैट पहले तो उसको सर्कुलर ऑब्जर्व करना है लेटेस्ट टेक देर आर सिक्स एलिमेंट्स तो वो कुछ इस तरह से होगा सेकंड उसमें दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस वन होना चाहिए मतलब ए वन ए टू ए टू ए थ्री ए थ्री ए फोर ए फोर ए फाइव ए एंड ए सिक्स फॉर दिस एग्जाम्पल उन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस वन होना चाहिए नाउ हमें इस तरह का एरे बताना है लेकिन हमें डिटेल्स क्या दी गई है हमें डिटेल्स ये दी गई है कि जितने भी लोकल मैक्सिमास है इस एरे में उनका सम एक्स है एंड जितने भी लोकल मिनिमास है इस एरे में उनका सम वाई है अब लोकल मैक्सिमा क्या है अगर कोई एलिमेंट है देखो दो नेबरिंग एलिमेंट के बीच का डिफरेंस तो वन ही है अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके लेफ्ट और राइट right दोनों एलिमेंट की वैल्यू उससे एक कम है मतलब कि वो खुद अपने लोकल एरिया में मैक्सिमम है मतलब कि मान लो ए फोर की वैल्यू सिक्स है ए थ्री की फाइव है एंड ए फाइव की भी फाइव है देन दिस इज कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमा सिमिलरली लोकल मिनिमा का मतलब क्या है कि अगर उसके दोनों नेबरिंग एलिमेंट्स की वैल्यू उससे ज़्यादा है तो उसको हम लोकल मिनिमा बोलते हैं तो जितने भी लोकल मैक्सिमा एलिमेंट्स होंगे इस एरे में उसका सम एक्स है और जितने भी लोकल मिनिमा एलिमेंट्स होंगे उनका सम वाई है तो हमें ऐसा एरे बताना है जिसकी लेंथ मिनिमम पॉसिबल हो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नेबरिंग एलिमेंट्स वन हो और लोकल मैक्सिमा का सम एक्स एंड लोकल मिनिमा का सम वाई हो अब एक बात समझो ये जो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का समय देखो यहां पे मल्टीपल पॉसिबल आंसर हो सकते हैं लेकिन हमें कुछ स्टैंडर्डाइज अप्रोच लेनी पड़ेगी जिसको हम कोड कर सके जिसको हम जनरलाइज करके कोड कर सके हर बार हम अलग अलग एग्जांपल नहीं ले सकते मल्टीपल चीजें सेटिस्फाई हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई तो एक चीज यहां पे आप समझने वाली क्या है कि जो नंबर और दो जो नेबर्स होंगे उनकी वैल्यू तो एक कम या एक से एक ज्यादा ही होगी तो अगर कोई वैल्यू थ्री है तो उसके नेबर की वैल्यू फोर या टू ही होगी और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा पहली चीज दूसरी चीज ये जो लोकल मैक्सिमा है वो जितने कम एलिमेंट्स में हम ऑप्टेन कर ले सपोज लोकल सपोज एक्स की वैल्यू थ्री है एंड वाई की वैल्यू माइनस टू है जो कि गिवन एग्जाम्पल भी है क्वेश्चन में तो थ्री हम जितने कम एलिमेंट्स में जितने कम लोकल मैक्सिमस में अचीव कर ले उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाएंगे एंड माइनस टू भी हम जितने कम लोकल मिनिमास में अचीव कर ले उतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं अब मिनिमम नंबर ऑफ लोकल मैक्सिम्स टू अचीव दिस वैल्यू थ्री कितने हैं एक एक एलिमेंट को थ्री कर दो और उसको लोकल मैक्सिमा बना दो काम हो जाएगा तो मैंने थ्री लिया और उसको लोकल मैक्सिमा बना दिया अब सिमिलरली एक एलिमेंट की मदद से मैं माइनस टू अपटेन कर सकता हूँ लोकल मिनिमा का सम कैसे माइनस टू और उसको लोकल मिनिमा बनाना है मतलब उसके दोनों नेबरिंग की वैल्यू उससे एक ज्यादा है अब इसको सर्कल कंप्लीट करना होगा और दो नेबरिंग एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस वन चाहिए तो वो कैसे मिलेगा जीरो जीरो वन वन हो गया मेरा काम ये करते रहना है कब तक जब तक ये यहां पे मैच ना हो जाए क्योंकि एक सर्कल भी तो कंप्लीट करना है माइनस वन के बाद सीधा टू नहीं आ सकता इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन एलिमेंट्स में मैंने एक्स इक्वल टू थ्री और वाई इक्वल टू टू अब कर लिया ये लोकल मैक्सिमा ये लोकल मिनिमा ये चारों एलिमेंट कुछ नहीं है ना ही लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है ठीक है आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो इस तरह से हम करेंगे अब इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ये लोकल मैक्सिमा है ये लोकल मिनिमा है उनके बीच में डिफरेंस उनके बीच में एलिमेंट्स कितने हैं जैसे कि यहां पे चार है तो वो कैसे मिलेंगे लोकल मैक्सिमा का सम माइनस लोकल मिनिमा का सम मतलब थ्री और माइनस टू का डिफरेंस अगर मैं लूँ, तो वो क्या हो जाएगा थ्री माइनस माइनस टू दैट इज फाइव माइनस वन विल गिव मी फोर मतलब इनके बीच में इतने एलिमेंट्स हैं इस तरफ भी चार है इस तरफ भी चार है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले प्रिंट कर दू क्योंकि मुझे आउटपुट कैसे डिस्प्ले करना है पहले एन लेंथ ऑफ द एरे एरे एंड नेक्स्ट लाइन में के एलिमेंट्स तो पहले मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट कर देता हूं टू इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वन एक्स इज थ्री वाई इज माइनस टू दैट इज फाइव फाइव माइनस वन इज फोर और फोर एलिमेंट्स इस, इस तरफ भी है तो इंटू टू प्लस टू प्लस टू किसके लिए एक इसके लिए एक इसके लिए हो गया अब मुझे इस एरे को प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं तो x से लेके y तक मुझे जाना है Then again, y plus 1 से लेके x माइनस वन तक जाना है फॉर i इक्वल्स टू एक्स आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई आई माइनस माइनस प्रिंट आई मतलब कि थ्री टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू इतना प्रिंट हो गया अब यहां से स्टार्ट करना है मतलब कि फॉर i इक्वल्स टू वाई प्लस वन आई इज लेस देन एक्स आई प्लस प्लस प्रिंट आई मतलब कि माइनस वन से लेके टू तक प्रिंट कर देगा माइनस वन जीरो वन टू और इसको अगर हम सर्कुलरली ऑब्जर्व करें तो ये मिलेगा और सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ओ ऑफ एन जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजिली हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू